कुछ क्वेश्चन है जो स्टूडेंट्स ने भेजे हैं कि ये डिफिकल्ट है सर, इन्हें सॉल्व कर दीजिए, प्लस इनका रीजन बता दीजिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि टीचर अजर्शन है, टीचर शुड इग्नोर, अंडरलाइन करूंगा इग्नोर को, क्या इग्नोर करना चाहिए या नहीं, अब ये सेंट्रल आइडिया है, मिसकंसेप्शंस एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हेल्ड बाय स्टूडेंट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर कंसेप्ट। मैंने तीन चीजें अंडरलाइन की हैं, कंसेप्शंस, अल्टरनेटिव कंसेप्शंस एंड पर्टिकुलर रिगार्डिंग पर्टिकुलर कंसेप्ट। इसको आगे चल के समझना होगा कि अल्टरनेटिव कंसेप्शन या मिसकंसेप्शन क्या होती हैं। दूसरा रीजन क्या है, मिसकंसेप्शंस आर एक्सट्रीमली एरोनस, क्या ऐसा होता है, अगर होता है तो क्यों होता है, रिसर्च क्या कहती है, एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग प्रोसेस, क्या मिसकंसेप्शंस या अल्टरनेटिव कंसेप्शन इरेशनल होते हैं। जो टर्म मिसकंसेप्शन है उसके आगे जो वर्ड प्रीफिक्स लगा हुआ है मिस, वो इसको नेगेटिव टर्म बना देता है। इट मींस वो इंडिकेट करता है कि ये बच्चे की एरर्स है या इनकोरेक्टनेस है, ओके। लेकिन दूसरा व्यू जो कंस्ट्रक्टिविज्म का है वो इससे बिल्कुल उल्ट है, वो क्या कहते हैं, हाउएवर इट्स कैनोटेशन नेवर इम्प्लाई, कैनोटेशन मीन मीनिंग, नेवर अप्लाई एरर्स फ्रॉम ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव, फ्रॉम ए चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव इट इज ए रीजनेबल एंड वायबल कंसेप्शन बेस्ड ऑन देयर एक्सपीरियंस इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट एंड इन देयर डेली लाइफ एक्टिविटीज। इस बात को समझ लेना चाहिए। ये तो सीधी सीधी जानकारी हो गई कि जो रिसर्च कहती है उसकी डिडक्टिव जो डिडक्शंस हैं आपके सामने रख दी मैंने, जनरलाइजेशन जिससे आपको आंसर मिल सकता है, लेकिन इसको समझ ले तो बाकी क्वेश्चन आप रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। फॉर एग्जांपल एक पहले इसकी डेफिनेशन समझ ले, द आइडिया दैट डू नॉट मैच विद एक्सेप्टेड साइंटिफिक नॉलेज आर टर्म एज अल्टरनेटिव स्ट्रक्चर और मिसकंसेप्शन और अल्टरनेटिव कंसेप्शन। जब एक साइंस के टीचर ने टेम्परेचर के कंसेप्ट को टीच करने से पहले बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, उनमें से एक क्वेश्चन ये था कि हमारे सराउंडिंग, ये यहाँ पर जो क्लासरूम है इसमें जो एक क्लोथ है, आपका रुमाल है और स्पून है टिफिन में रखा हुआ, इनमें से कौन ज्यादा गर्म होगा, दोनों इक्वल गर्म होंगे या एक ज्यादा गर्म और एक कम गर्म होगा। तो बहुत से बच्चों ने यही कहा कि जो स्पून है ये रिलेटिवली इससे ठंडा होगा और ये गर्म होगा। तो ऐसे क्वेश्चन पूछने के बाद साइंस के टीचर को ये पता चल गया कि अब अगर क्लासरूम में कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर है तो वो इसको अल्टरनेटिव कंसेप्शन बोलेगा, अगर वो इसके विरोधी हैं तो इसको मिसकंसेप्शन बोलेगा। तो उसने आइडेंटिफाई कर लिए कि बच्चों को टेम्परेचर के रियल नॉलेज से रिलेटेड उन्होंने कुछ अपनी नॉलेज बना रखी है, अपने मेंटल मॉडल बना रखे हैं, अपनी प्रीवियस नॉलेज बना रखी है, अपने प्री कंसेप्ट बना रखे हैं, काफ़ी टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड होती है, और वो कैसे बनाए होंगे ये बात स्पष्ट है उस टीचर को कि ये बच्चों ने अपने एक्सपीरियंस से बनाए होंगे। देखिए, एक है करेक्ट साइंटिफिक नॉलेज, जो किसने दी है, रिसर्च या साइंटिस्ट ने दी है, जो बुक्स में करिकुलम में लग गई है। दूसरी है एक बच्चा रोज एक्सपीरियंस करता है टेम्परेचर से रिलेटेड, जो भी वस्तुएं हैं उसके घर में हैं, उसका एक्सपीरियंस घर में है, स्कूल में है, किचन में है, रूम में है, है ना, तो डिफरेंट एक्सपीरियंस है। हाँ, उसने कुछ सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा, किसी से भी सुना होगा, ये सब कुछ मिल के उसके मन में टेम्परेचर के रिगार्डिंग ये एक ख्याल बन गया कि जो स्पून है, एक ही सराउंडिंग में चीज़ें हैं, वो अगर मेटल है तो वो ठंडी होगी, कोल्ड होगी, ओके, अगर वो क्लोथ है तो वो वार्म होगी, है ना। इट मींस उसके मन में कंसेप्ट क्या बना हुआ है कि इन द सेम सराउंडिंग्स डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट टेम्परेचर, कंसेप्ट लेके चल रहे हैं टेम्परेचर। करेक्ट नॉलेज क्या है कि एक ही सराउंडिंग में डिफरेंट थिंग्स की का टेम्परेचर डिफरेंट नहीं होता। तो ये दिस इज द स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव कंसेप्शन। अब हमारा क्वेश्चन था कि क्या इसको इग्नोर कर देना चाहिए।
आप खुद सोचिए कि अगर ये बच्चा ये लेके चला है, सिर्फ एक कंसेप्ट लिया है कि विभिन्न वस्तुओं का एक ही सराउंडिंग में टेम्परेचर डिफरेंट होता है, अगर वो साइंटिफिक नॉलेज से मैच नहीं करता, तो इट मीन्स इस कंसेप्ट के बेस पर जो वो न्यू नॉलेज नेक्स्ट टीच करेगा, टीचर रिलेटेड कोई भी चैप्टर टीच करेगा न्यू नॉलेज, वो नेचुरली है कि न्यू नॉलेज भी गलत ही, इनकरेक्ट ही बनती जाएगी। दैट इज वाई वो कंस्ट्रक्टिविस्ट, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट टीचर था, उसने सोचा कि इनको रिफाइन करना चाहिए, रिफाइन, ओके, इनको कंसेप्ट को, अल्टरनेटिव कंसेप्ट को एज ए रिसोर्स यूज करना चाहिए। रिसोर्स क्या होता है कि आप किसी चीज को ऐसे यूटिलाइज करो कि पर्सन की क्वालिटी लाइफ की, इंटरेक्शन की, वो बढ़ सके, नॉलेज की यहाँ क्वालिटी बढ़ सके। मतलब जो आइडेंटिफाई हो गया है कि इसके रिगार्डिंग अल्टरनेटिव कंसेप्शंस हैं, उनको यूज करके फर्दर यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ लिखता हूँ, फर्दर टीचिंग प्लान की जाए, टीचिंग इट मीन्स लेसन प्लान, पेडागॉजिकल प्लानिंग की जाए। तो वो प्लानिंग क्या करते हैं, तो ये राइट नॉलेज है। तो टीचर प्लान क्या करते हैं कि क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं, मान लीजिए 20 स्टूडेंट्स हैं, उनके पांच पांच के चार ग्रुप बना देते हैं। जब ग्रुप बनाए तो वाइगोत्स्की साहब आ गए, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म हो गया, और उनको थर्मामीटर दे दिए गए, एक ग्रुप को एक एक थर्मामीटर दे दिया गया, जहां टेम्परेचर मेजर करने वाला जो भी इंस्ट्रूमेंट है वो दे दिया गया। सबसे पहले टीचर ने ये बताया कि टेम्परेचर को मेजर कैसे करना है, देखना कैसे है, और उसे अपनी नोटबुक पर नोट कैसे करना है। उन्होंने नोट भी साथ साथ में करना है और मेजरमेंट देख ली कि इसका 100 है मान लीजिए, है ना, इसका 101 है, है ना, नोट कैसे करना है, तो ये भी देखने के लिए कि वो ये लर्न कर लें, साथ में वैलिड वेरीफाई भी करना है कि क्या सभी बच्चे सही तरह से नोट कर रहे हैं। उन्होंने क्या किया कि एक ऑब्जेक्ट को, ये पहले थर्मामीटर का बोल दिया, उसके बाद ये टेबल प्रोवाइड कर दिया साथ में, और एक बच्चा जो है वो एक ऑब्जेक्ट का, ऑब्जेक्ट नंबर 1, ऑब्जेक्ट नंबर मान लीजिए क्लोथ हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 2 मान लीजिए फर हो गई, ऑब्जेक्ट नंबर 3 मान लीजिए सॉयल हो गई, ऑब्जेक्ट नंबर 4 मान लीजिए स्पून हो गया, है ना, ऑब्जेक्ट नंबर 5 और कितने भी सराउंडिंग में जितने भी ऑब्जेक्ट थे, है ना, तो ये एग्जाम्पल बन गई जो वो एक्सपीरियंस करेंगे। और एक बच्चा उसके टेम्परेचर को नोट करता है उसी क्लोथ के को, और नोट करता है मान लीजिए 100 है, और दूसरा बच्चा भी कर रहा है, उसने भी देखा 100 है, तीसरा भी कर रहा है, इससे पता चल जाएगा कि सेम क्लोथ है, सेम इंस्ट्रूमेंट है, क्या इनकी मेजरमेंट करने की जो एबिलिटी है वो राइट है, ऐसे वेरिफिकेशन भी हो जाएगी। ये बात उन्होंने कर दी। अब बच्चे क्या कर रहे हैं कि अपने ग्रुप में काम कर रहे हैं, हर ऑब्जेक्ट सब्सटेंस जो उनको दिया जाता है उसकी मेजरमेंट करते हैं, शीट पर नोट करते हैं, दूसरा बच्चा करता है शीट पर नोट करता है, तीसरा बच्चा करता है शीट पर नोट करता है, सभी शीट्स जो हैं लास्ट में टीचर ने कलेक्ट कर ली। कलेक्ट करने के बाद जो रिजल्ट आए तो वो क्या था, दे हैड ऑल फाउंड दैट द सेम टेम्परेचर फॉर मोस्ट सब्सटेंसेस एंड आस्क्ड इफ एनी रिजल्ट हैड सरप्राइजिंग। तो वो हैरान हो गए कि वो जो सोच रहे थे कि जैसे स्पून और क्लोथ का टेम्परेचर एक ही सराउंड में डिफरेंट है, लेकिन जब वो स्पून का टेम्परेचर देखा यहाँ पर एक बच्चे का, दूसरे का, तीसरे का, सारी क्लास का आ गया ना, और उसको कंपेयर किया फर से, जो ऑब्जेक्ट से, उनसे, इसको मान लीजिए इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे कंपेयर किया, वैसे ही एग्जांपल दे देता हूँ, यहाँ मान लीजिए 100 आया, इसका भी मान लीजिए 100 आया, इसका 100 पॉइंट कुछ ऐसे आया, मतलब ये बिल्कुल जो लगभग जब टेम्परेचर डिफरेंट ऑब्जेक्ट का था वो सेम आया, तो नेचुरली है कि उन्होंने कंक्लूजन बनाया। कंक्लूजन क्या था कि टेम्परेचर जो है डिफरेंट, क्या बनाया, एक मिनट वापस चलते हैं, बच्चों ने कंक्लूजन क्या बनाया कि सेम सराउंडिंग में डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट 1 है, 2 है, उन्होंने तो कितने ज्यादा अवेलुएट किए, मेजर किए, असेस किए, सॉरी मेजर किए, मेजर करने के बाद ये कंक्लूजन निकाला, इन द सेम सराउंडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट और सब्सटेंसेस हैव सिमिलर टेम्परेचर, मतलब नॉट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये उनकी नॉलेज हो गई रिफाइन, रिफाइन, जो पहले अल्टरनेटिव कंसेप्ट था उसको यूज किया एज रिसोर्स, रिसोर्स किसके किसके लिए, पैडा। अब ये जो कंसेप्ट में एक्सपीरियंस देके कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम में खुद बच्चों ने ऑब्जर्व करके अपना कंसेप्ट चेंज किया है, इसको बोलते हैं
कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज, जहाँ ये जो यहाँ पर स्पेसिफिक है कंसेप्चुअल चेंज CHANG। तो अब आप खुद सोचिए, अब आपको वो रिसर्चर्स की स्टेटमेंट भी पढ़ाता हूँ जिन्होंने ये कहा है कि अल्टरनेटिव कंसेप्ट्स शुड नॉट रिप्लेस्ड, ओवरकम, रिमूव्ड, ये नहीं होना चाहिए जो नेगेटिव सोचते हैं इसको, अल्टरनेटिव कंसेप्ट को, जो मिसकंसेप्शन इसे कहते हैं। इंस्टेड अल्टरनेटिव कंसेप्शन शुड बी व्यूड एज रिसोर्सेज फॉर रिफाइनमेंट रैदर देन ऑब्स्टेकल रिक्वायरिंग रिप्लेसमेंट विच दिस मॉडल ऑफ स्टूडेंट थिंकिंग में लीड टू मोर इफेक्टिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज इन क्लासरूम। अब अपने क्वेश्चन को रिव्यू कीजिए, आपके पास यही नहीं नेक्स्ट एमसीक्यू के क्वेश्चन के आंसर भी मिल जाएंगे। एजर्शन है टीचर शुड इग्नोर मिसकंसेप्शन एंड अल्टरनेटिव कंसेप्शन हेल्ड बाय स्टूडेंट्स रिलेटेड टू पर्टिकुलर कंसेप्ट। अगर वो टीचर उसे इग्नोर कर देता तो क्या बेटर पेडागोजी की प्लानिंग कर पाता, क्या वो कंसेप्चुअल चेंज ला पाता, क्या वो जो बच्चे सोच रहे थे अंदर जो के साइंटिफिक नॉलेज से डिफरेंट था उसको साइंटिफिक कर पाता, नहीं। ये तीनों चीज़ें जो मैंने बोली हैं ये करने के लिए, दैट इज़ वाई कभी इग्नोर नहीं करना, इसको फोकस करना है, प्लानिंग के लिए यूज़ करना है एज ए रिसोर्स। दूसरा, मिसकंसेप्शंस आर एक्सट्रीमली, पहली तो बात यही है, एक्सट्रीमली वर्ड जो आ रहे हैं वो खुद ही कह देते हैं कि हमने गलत लिख दिया है। अच्छा, एरोनमस एंड रिप्रेजेंट इरेशनल थिंकिंग और प्रोसेस, ऐसे नहीं है कि बच्चों ने इरेशनल सोचा है, बच्चों ने देखा कि स्पून जो हाथ से जब टच करते हैं तो ठंडा लग रहा है, मेटल जो है, टाइल्स जो हैं वो ठंडी, फर्श ठंडा लग रहा है, और जो क्लोथ है ना, उनको ये एक्सपीरियंस हो, उनकी ये सब्जेक्टिविटी थी, उन्होंने अपना एक्सपीरियंस किसी अपने पीयर के साथ भी कंपेयर किया होगा कि यार स्पून ठंडा है कि फर्श ठंडा है कि क्लोथ रुमाल ठंडा है, तो ये उन्होंने कहीं सुना भी होगा, हो सकता है कहीं से गलत नॉलेज पढ़ भी ली होगी, तो ऐसे करके उन्होंने जो मिला है उसको कलेक्ट किया है। इसका मतलब ये नहीं उन्होंने लॉजिक नहीं लगाया, इसका मतलब ये नहीं उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया, टच किया है, एविडेंस उनके पास है, तो दैट इज वाई उनको इरेशनल कहा ही नहीं जाता जा सकता, जो रिसर्च कह रही है ये भी वही कह रही है। दैट इज वाई ये इसके एस्पेक्ट पर इग्नोर कभी नहीं करना, ये क्रॉस हो गया, गलत है, इरेशनल बिल्कुल नहीं हो सकता, एक्सट्रीमली एरोनमस ये बिल्कुल गलत है, दैट इज वाई हम चूज करेंगे बोथ ए एंड आर आल फॉल्स। आंसर 4।